अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन में आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है, और सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन लेफ्ट साइड पर होती है, एब्डोमिन के लेफ्ट साइड पे बिलो द डायाफ्राम ये लोकेटेड होता है। स्टमक को हम चार पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला इसका ये वाला रीजन होता है उसे कार्डिया बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट के करीब होता है, ये कार्डिया रीजन है। फिर ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है इसे फंडस कहते हैं, और बाकी जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है ये बॉडी कहलाती है, और लास्ट पोर्शन जो है ये इसका पाइलोरस कहलाता है। तो इस तरह से जो स्टमक है उसके चार पोर्शन है। स्टमक जब एम्प्टी होता है तो इसकी शेप, इंग्लिश का लेटर जो जे होता है, जे शेप ये होता है, और इसका साइज जब ये एम्प्टी होता है तो जो हमारी क्लोज फिस्ट होती है यानी जो बंद हमारी मुट्ठी होती है उसके जितना होता है। और वैसे जो स्टमक है वो इसकी कैपेसिटी 4 लीटर तक होती है, यानी ये 4 लीटर तक किसी फूड को या फ्लूइड को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, और हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का फ्लो होता है उसको ये रेगुलेट करते हैं। तो एक जो होता है जो स्फिंक्टर मसल है जो कि फेरिंग्स और एसोफेगस के दरमियान होता है उसे कहते हैं अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और जब ये एसोफेगस और स्टमक का जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर भी स्फिंक्टर लोकेटेड होता है कि यानी जो बोलस एंटर होना है यहाँ से तो उसको भी ये वाली ओपनिंग जो है ये रेगुलेट करेगी। ये वाली जो ओपनिंग है ये कार्डियक ओपनिंग कहलाती है, और स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से बोलस एंटर होता है स्टमक में, और जब स्टमक का एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो ये जो पाइलोरस रीजन है तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये पाइलोरस कहलाती है, और जो स्फिंक्टर यहाँ पर लोकेटेड होता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब हम इसकी डिफरेंट लेयर्स को देखते हैं। जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसकी 4 लेयर्स होती हैं, तो ये स्टमक में भी यही 4 लेयर्स होती हैं। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सीरोसा, उसके बाद ये वाली जो लेयर है ये मस्कुलैरिस कहलाती है, जिसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ओब्लीक मसल्स होते हैं। फिर उसके बाद ये लेयर जो है ये सब म्यूकोसा कहते हैं इसे, और ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये म्यूकोसा कहलाती है। और जो म्यूकोसा की लेयर होती है इसी में ही गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, जिसके जरिए से गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। और जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं स्टमक के उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है जो सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस म्यूकस सेल्स, जो ये लोकेटेड है सरफेस म्यूकस सेल्स, ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। और आगे चलकर हम इसके वन बाय वन फंक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम सिर्फ लेयर्स के नाम पढ़ें। तो ये सरफेस म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद बाकी जो हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाकी 3 पार्ट्स हैं, पेराइटल सेल्स जिनको ऑक्सिंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये है पेराइटल सेल या ऑक्सिंटिक सेल, और ये HCL प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जाइमोजन सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। और फिर ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, और ये एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन, जो कि ब्लड में शामिल होके फिर ये आकर अपनी इफेक्ट को शो करता है। तो ये स्टमक की जो है ये लेयर्स हो गई। अब हम स्टमक का फंक्शन देखते हैं। वैसे तो जो स्टमक है उसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फीडिंग को पॉसिबल करता है। डिसकंटिन्यूस फीडिंग को पॉसिबल कैसे करता है, क्योंकि स्टमक अपने अंदर जो है टेम्परेरी स्टोर कर लेता है फूड को। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये 4 लीटर तक जो है ये फूड या लिक्विड को अपने अंदर होल्ड करने की एबिलिटी रखता है, और उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो डाइजेशन है। डाइजेशन इसमें 2 तरह की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन।
जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये चर्निंग एक्शन के जरिए से होती है, यानी कि मैकेनिकली स्टमक के अंदर जो है ये मिक्सिंग एक्शन होता है, स्मूथ मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मिक्सिंग वेव्स जो हैं इसमें चलती हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो एफिशिएंटली फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो केमिकली वो ज़्यादा एफिशिएंटली होते हैं। तो जो थ्री लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की वो मिक्सिंग वेव को बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और इसी चर्निंग एक्शन की वजह से इसमें सेमी सॉलिड थिक लिक्विड का एक मैस बनता है जिसको काइम बोलते हैं, और ये एसिडिक नेचर का होता है। केमिकल डाइजेशन जो है ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। स्टमक की जो सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि जो एपिथीलियल इसके म्यूकस के सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। HCl भी सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन, ये सब जो हैं ये केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो म्यूकस सेल्स हैं ये एक लेयर बनाते हैं म्यूकस की, जो कि इंटरनल जो स्टमक है उसके ऊपर बनती है। ये स्टमक को लुब्रिकेट भी करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और किसके एक्शन से प्रोटेक्ट करती है, जो कि एसिड है, ताकि ये लाइनिंग जो है ये डाइजेस्ट ना हो जाए या एसिड का इसके ऊपर इफेक्ट ना हो। जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो भी स्टमक की लाइनिंग को डाइजेस्ट ना करे, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। और अगर ये लेयर ना हो या कम प्रोड्यूस हो तो स्टमक की जो वॉल है वो HCl के इफेक्ट से या जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के इफेक्ट से उसमें अल्सर हो सकता है, उसमें सोर्स या छाले भी बन सकते हैं। तो लेकिन अब ये भी देखा गया है कि बैक्टीरिया की वजह से भी अल्सर हो जाता है, और जो बैक्टीरिया इसकी वॉल के ऊपर स्प्रेड होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, उनकी वजह से भी जो है ये अल्सर हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो पेराइटल सेल्स हैं जो और ज़्यादा ये पाइलोरिक रीजन के जो सेल्स हैं, जो एंड वाला पोर्शन होता है स्टमक का, वहाँ से ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रीट करते हैं और HCl को भी। तो पेराइटल सेल्स की जो सिक्रीशन है एक इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को सिक्रीट करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसकी नेचर ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वाइटामिन B12 के साथ जाकर अटैच होता है और फिर जो इसकी एब्जॉर्प्शन है इलियम में उसको पॉसिबल करते हैं। और HCl जो है ये स्टमक में लो pH को मेंटेन करता है। वैसे तो pH जो है 2 ये ऑप्टिमम pH होती है जिसपे पेप्सिन अपना ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये 1 और 3 के दरमियान और क्लोज टू 2 ये इसकी pH को मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो HCl है इसका ये भी फंक्शन होता है कि अगर हम कोई चीज़ इंजेस्ट करते हैं और उसके साथ बैक्टीरिया या कुछ जर्म्स वगैरह आ गए हैं तो वो उसको भी किल कर देते हैं। और लो pH की वजह से जो सेलाइवरी एमाइलेज है जो फूड के साथ जो है थोड़ा सा मिक्स होके स्टमक में आता है वो भी इनएक्टिवेट हो जाता है। और यही लो pH जो है ये काफ़ी दूसरी प्रोटीन्स को भी डीनेचर कर देती है। और फिर जो पेप्सिन एंजाइम है ये इजीली जो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान उसको ब्रेक करता है, तो इससे पेप्सिन का फंक्शन जो है वो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलती है HCl की प्रेजेंस में। चीफ सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजन जो है ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये सिक्रीट होता है और बाद में इन ग्रेन्यूल से एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से ये इसकी सिक्रीशन होती है। और जब ये सिक्रीट होते हैं पेप्सिनोजन स्टमक की ल्यूमिन में या स्टमक की कैविटी में, तो फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं जब इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलती है या ऑलरेडी अगर कोई एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन मौजूद है। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेप्सिन। तो इन शॉर्ट जो चीफ सेल्स की जो सिक्रीशन है वो पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव है, और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है जब ये स्टमक में रिलीज होती है तो स्टमक की एसिडिटी या स्टमक में अगर कोई ऑलरेडी थोड़ी सी अमाउंट एक्टिव पेप्सिन की प्रेजेंट हो तो उन दोनों की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो प्रोटीन्स हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं
उनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड उनको ब्रेक करते हैं और प्रोटीन को ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में लेकर आते हैं, यानी कि अभी भी ये अमीनो एसिड की फॉर्म में नहीं आए बल्कि ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम नर्वस सिस्टम का रोल देखते हैं कि रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अगर ज़्यादा प्रोटीन हमारे स्टमक में चली गई है तो फिर ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत होती है, तो तब ये वाला सिस्टम जो है ये चलता है। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 liter गैस्ट्रिक जूस जो है ये पर डे हमारे स्टमक में आते हैं और जो इसको रेगुलेट करते हैं वो नर्वस और हार्मोनल मेकानिज़म इसको रेगुलेट करते हैं। और जो हार्मोन्स एंड जो स्टमक की सिक्रीशंस होती हैं उसमें गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड कोलीसिस्टोकाइनिन, ये वाली इसकी सिक्रीशंस जो है इसको ही रेगुलेट करते हैं। और जब हम किसी भी कोई हमें बहुत अच्छी खाने की स्मेल आती है या फिर अगर हम किसी अच्छे खाने के बारे में सोच भी लें या कुछ हम खा रहे हों, च्यू कर रहे हों, स्वेलो कर रहे हों, तो ये सारी वो स्टिमुलेशन है जो कि हमारे ब्रेन में जाती है मेडुला पार्ट पे। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो कि इन सारी सेंसेशन को रिसीव करता है और फिर इसका इन्फ्लुएंस जो है किस चीज़ के ऊपर होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के ऊपर। तो ये नर्व्स को जो है स्टिमुलेट करता है और इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो एसिटाइल कोलीन है। ये एसिटाइल कोलीन जो है ये पेराइटल और चीफ सेल्स इनको जाकर स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि एंडोक्राइन सेल से सिक्रीट होता है उसकी सिक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट करता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है ये एसिटाइल कोलीन के थ्रू पेराइटल सेल के ऊपर, चीफ सेल्स के ऊपर और एंडोक्राइन सेल्स के ऊपर होता है और फिर एंडोक्राइन सेल्स जो हैं ये हार्मोन गैस्ट्रिन इसको सिक्रीट करते हैं। और ये जो सिक्रीशन होती है क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम है इसलिए ये ब्लड में शामिल होते हैं और फिर ब्लड की सर्कुलेशन के साथ ये ट्रैवल करता हुआ पेराइटल सेल्स की तरफ जाता है और फिर पेराइटल सेल्स जो हैं ये एडिशनली गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं जो स्टमक में होती हैं तो प्राइमरीली जो है जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो या कोई मिक्सिंग वेव्स हों तो फिर ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये फूड के साथ मिक्स होता है और फिर डाइजेशन जो है ज़्यादा एफिशिएंटली होती है। जो स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है मिक्सिंग वेव की निस्बत और फिर जो अब ये एसिडिक डाइजेशन के बाद मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन के बाद अब ये जो सेमी सॉलिड एक थिक सा मैस बन गया है जिसको पहले भी हमने बताया कि काइम का नाम देते हैं, ये जो है ये फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ मूव करते हैं और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये यूजली वैसे तो पार्शली क्लोज होता है और फिर उसके बाद ये जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये एंड तक पहुंचती हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि फिर ये पाइलोरिक रीजन जो है ओपन होता है और ये काइम जो है जो कि एसिडिक नेचर का है ये स्टमक से निकल के किसमें आ जाता है, ये ड्यूडिनम में आ जाता है। वैसे तो स्टमक में एब्सॉर्प्शन होती नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ों की एब्सॉर्प्शन होती है, जिस तरह से जो एब्सॉर्प्शन है वाटर की या कोई आयंस होते हैं उनकी एब्सॉर्प्शन या फिर कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे कि एस्पिरिन है जो कि पेन किलर के तौर पर भी ली जाती है, एथेनॉल है उसकी एब्सॉर्प्शन जो है ये स्टमक से ब्लड में होती है, इसलिए जब हम ये डिस्प्रीन या जिनमें भी ये एस्प्रीन का एलिमेंट होता है ये हम लेते हैं तो फिर हमें इसकी इससे जल्दी ही जो हेडेक है या कोई भी पेन है वो ठीक हो जाता है क्योंकि ये स्टमक से ये डायरेक्ट ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो बाकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है लेकिन कुछ वाटर, कुछ आयंस, कुछ ड्रग्स जैसे कि अभी हमने एस्प्रीन का नाम लिया एथेनॉल का, ये स्टमक से ये ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे।